जब आप फूल और कांटे में थी, मैं झाड़ियों में था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 32 बियर दी है इसने। और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, सौबा क्या क्या कहा भैया। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अर्चना जी, आज हमारा दशहरा सेलिब्रेशन एपिसोड है और इस मौके पे आज की हमारी जो मेहमान कलाकार हैं, ये 90s की वो सुपरस्टार्स हैं जिनके पोस्टर हर लड़के के घर में और दिल में लगे होते थे। मतलब ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं इनकी किसी भी फिल्म का कोई भी गाना एक लाइन गा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां जूही मैम, मधु मैम और आयशा मैम के लिए। मधु जी, जूही जी, आयशा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों। थैंक यू। मैंने एक चीज नोटिस की है। अच्छा, तीन तीन हीरोइन मेरी किस्मत में लिखी हैं। अच्छा, हाँ, मम्मी तुम कहती थी ना तुम किस दिन बड़ा काम करोगे, आज मैंने वो काम कर दिया जो 90s के बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं कर पाए। अजय देवगन, अक्षय कुमार, कोई भी हीरो, आज तक कभी इन तीन हीरोइन के साथ किसी ने एक फिल्म की है? मैंने एक एपिसोड किया आज। ये तो सच है, सच। इतनी बल्क में ब्यूटी है, मुझे तो डर लग रहा है कोई हम पे ब्यूटी टैक्स ना ठोक दे आज। उफ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 90s से लेके आज तक हमारे दिलों में राज कर रही हसीन, दिलकश, बेहद खूबसूरत, हम सबकी फेवरेट जूही चावला जी, आयशा जुल्का जी और मधु जी के लिए आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सब दर्शकों को पता है जूही जी पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। हाँ जी। आप दोनों के हस्बैंड को हम पे कोई डाउट था? वो वेट कर रहे थे कि कब मेरी शादी हो, कब मेरे बच्चे हो, तब बीवियों को भेजूं। आप कभी हमारे शो पे क्यों नहीं आई पहले? आपने कभी आपने बुलाया कभी क्यों नहीं? अरे हमें पता ही नहीं था आप बुलाने पे आ जाती है। आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। आप पर आज, आज आप दोबारा बुलाओ, हम दोबारा आ जाएंगे। हमने इतने सालों इंडस्ट्री में काम किया, हमने कभी एक साथ में शूटिंग नहीं की। तो वी हैव टू थैंक यू कि हम तीनों एक साथ शूट कर पा रहे हैं। हाउ स्वीट। जी मैम, मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो। आपके हस्बैंड दोनों कजन्स हैं, भाई हैं। और ये मुझे मधु बहन कहते हैं, हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए। अच्छा, ये मेरी देवरानी है। अच्छा, देवरानी जेठानी। जी, जी, पति के हिसाब से कि आपके पति बड़े हैं। हाँ। इनके पति से। हाँ। है ना, तो उस हिसाब से नहीं। हाँ। तो हीरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा। आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया दे के बोला हो कि मेरा भी चला एक? रोजा के गाने एक्चुअली बड़े ब्यूटीफुल थे, मेरे तो सारे फेवरेट हैं। मैंने सुना आप भी बड़ा अच्छा गाती हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी तरह तो नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। आप बड़ा अच्छा गाती हैं और थोड़ी सी जनता की फरमाइश पे नहीं, नहीं, जो नहीं, आपका मन पसंद मैं सुनाता हूँ। मेरे को फंसा रहे, इनकी बात मत सुनिए। मैंने कहा जनता की फरमाइश पे जो आपका फेवरेट हो मैं सुनाता हूँ। अच्छा, मैंने एक्चुअली सिंगर बनना चाहता था, मेरे को किसी ने मौका नहीं दिया। हाँ। अब मैं ऐसा कीड़ा निकालता हूँ ना, मेहमानों को बुला बुला के जबरदस्ती गाने सुनाता हूँ उनको। अच्छा, पर मतलब so, कपिल जी आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं, आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था, बोल, मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था बोल में गए हैं।
अच्छा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है, जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं, तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ। मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को, ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली। बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे, नहीं तो। मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चल। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती है। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई है ना, ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए है कि? अगर अर्चना जी नहीं होती आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती। जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहां कोई बैंड होता ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं, एक दो रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज दे। पास तो जरूर मांगते होंगे। हाँ, ये पास तो भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की। तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं, कभी कोई गलत बंदा तो नहीं घुसाया पार्टी में आके खाना ना खा जाए, ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा, उसमें अजय देवगन एंट्री लेते ना दो बाइक पे खड़े होके, तो ये तो होगी फिल्म की बात। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया कि दो मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो? नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी। जी, उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार। अच्छा, तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज। अच्छा, जो उनके दोस्त हैं और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे। रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी। अच्छा, तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, मधु है एंड ऑल दैट। ही सेड, अच्छा वो दैट मधु दिल जले, सो ही सेड या आई लाइक हर। सो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, इंट्रोड्यूस करा दो, मिलते हैं, बट व्हाट माय हस्बैंड सेड टू हिम इज गेट हर फॉर एन एड फॉर माय कंपनी। अच्छा, जो कैलेंडर एड। तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि यू नो मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब, टॉक टू माय फादर, टॉक टू माय मैनेजर। और हमें जाना था बाली शूटिंग करने। अच्छा, फिर हम बाली चले गए शूटिंग। पूरी शूटिंग हुई, सारे मतलब जो लोकेशंस हैं बाली में वो सब हुआ। लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग, ही सेड विल यू मैरी मी। एड के पैसे ना देने पड़े। नहीं, बट प्लीज आप बिलीव करो, शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, ऑन द सी व्हाटएवर व्हाटएवर, आई सेड ओके। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, शूटिंग करना है, पापा से पूछना है, बताना जो भी है। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली। अच्छा,
फिर हम मुंबई आ गए, फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल, फिर आगे पीछे करते गए. अच्छा. फिर हाँ ना फाइनली दे सेड ओके लेट्स गेट एंगेज्ड. और जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं ये कहती थी यू नो यू डोंट इवन लव मी, यू लुक एट मी लाइक अ कार इन अ शोकेस, आई सॉ यू इन दिल जले एंड आई सेड आई लाइक हर, आई एम गोना मैरी हर, आई एम नॉट दैट पर्सन. इसीलिए बोलते ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाते हैं, जोड़ियां ऊपर बनती हैं. आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु कि तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो? एंडी को थैंक यू. सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथापाई करने वाले, लोग प्यार भी करते हैं. ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ, इतनी दबंग है ना ये लेडी, फेरे ले रही है और परमीत आगे आगे तेज चलो. उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के. हाँ अच्छा, आपका जो सॉन्ग है पहला नशा, मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग, कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं. वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसमें सारे जो शॉट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए, जैसे हिरन आती ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब. तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ? ये हस्बैंड्स के लिए शो है, आप सिर्फ हस्बैंड्स हस्बैंड्स हस्बैंड्स, आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. क्योंकि मेरे शो में जो भी आता है मेरे को यही बोलता है शादी हो गई बच्चे हो गए. तो मैं, आप जेलस क्यों हो इस बात से? जेलस मैं इसलिए हूं कि बस पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में. मैं इसी सीरियसली पूछ रहा हूं. तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे. अरे वाह वाह, गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं मैंने देखा है. तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे. अच्छा. लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो हो ही जाती है, तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी. स्लो मोशन ही है अब. जूही जी का एक गाना था ना, तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको? लास्ट पति वाला सवाल इसके बाद ही पूछूंगा. ये दशहरा स्पेशल नहीं है, फैमिली स्पेशल है. नॉट इवन फैमिली, इट्स हस्बैंड स्पेशल. देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं. तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से. आयशा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? यहाँ नहीं है ना, हमारे कितने विचार मिलते हैं जुल्का साहब. हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है, अभी तो बोल दिया बस. हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है, पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि 90s में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो नहीं होता जो पहले होता था. उस समय क्या जिनकी शादियां होती थी ना 90s में, तो यही फिल्मों के गाने चलते थे. कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना, तो हर लड़की में जूही चावला, मधु और आयशा जुल्का ढूंढता था, खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो. सीरियसली शादी के वीडियो कैसेट में भी इन्हीं के गाने चलते थे, है ना? दुल्हन का घूंघट उठा अंदर, दुल्हन चाहे पान खा का दांत लाल किया, वो नहीं मैटर करता था, पर गाने इनके चलते थे, है ना? दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था, मजा आ जाता था. दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, प्यार तो पता नहीं पता, पेट बढ़ जाते थे इतना खिलाते थे. एक तो मैंने गाना देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, एक गाना पीछे लगा हुआ था, दुल्हन थी 65 साल की. हा? उसने गाना रुकवा दिया, कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा, ये तो मेरी 5वीं शादी है, कोई और गाना लगा. लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क्यामत से क्यामत तक जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी. मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा. क्यामत से क्यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चल ही गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है. एग्जैक्टली. आई मीन मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे. उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पर ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान, ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ. खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ हटो, नहीं नहीं नहीं
और भगा देते थे, कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो. तो मतलब ऐसे दिन देखे थे. फिर उस समय जब फिल्म आती थी तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए. और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द वे ऐशा बोली, हाँ कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर के नहीं. और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चल रही है, वो चलती जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है और फिर वो हिट हो गई. ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया. मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी, फिल्म का नाम मैं भूल गई, तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, तो देयर वाज अनदर गर्ल जो इनको एक और लड़की की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की, कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं, तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है, तो उसका नाम जूही है. तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था, डोंट रिमेम्बर. सो आई सेड दिस इज मी, हाँ ठीक है कास्ट कर लो. सो देन शूट, आई डोंट नो, आई नेवर शॉट विद यू, बट उस आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वॉज, बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार, 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 सुपर स्टार. और हमारा लास्ट, अरे थैंक यू, और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का, तो मैं तो हीरोइन थी, तो सारा क्लाइमेक्स मेरे ऊपर होना था, लेकिन जूही हैड बिकम द स्टार. वहां पीछे मुझे बांध दिया गया, सारे डायलॉग जूही बोल रही है, पूरा जूही. ओ बाप रे, आप उस फिल्म में हीरो थी. अच्छा अच्छा, मैं धर्मपाजी वाला शोले वाला सीन याद आ गया. ओके ओके मधु, मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है. मधु, हाँ है ना, तो आपको ये कैरेक्टर का नाम, करेक्टर का नाम, हाँ. मधु रहा है कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि चेक किसी और के नाम के ना बन जाए. तो मैं मधु ही रखूं. They just loved your name, मधु. You know there's a story behind my name. मधु is not a name given to me by my parents. अच्छा जी. मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल, मेरे फादर वहाँ सर्विस में थे. ओके. तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में. अच्छा जी. तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट्स थे उनमें से एक थी उमा दीदी. सो शी यूज़्ड टू से, इधर आ जा, कितनी मधु जैसी है, कितनी प्यारी सी है, कितनी मधु है. और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे. अच्छा. और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया. एंड एक्चुअली माई नेम इज नॉट मधु. व्हाट इज इट एक्चुअली? व्हाट इज इट? असली नाम क्या है फिर आपका? पद्म मालिनी. That's also a beautiful name. That's also beautiful. एक ही फैमिली के कोई 20 साल हो गए. मुझे आज नई नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी. लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी जेठानी, पूरे भेद नहीं खोलती आपस में. ये बहुत अच्छा है, एंटी क्लाइमैक्स हो गया. ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा, अभी शाहरुख खान आ रहे हैं और ये आ गए. मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है, तुमने अर्चना पुरम की फोटो क्यों लगा दी? सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था. एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है. कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है? अरे इन्होंने खुद दिया है. क्या अर्चना जी, आपसे इतना प्यार करते हैं हम, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे आप अपने आप, ये कोई तरीका है अपने आपको प्रमोट करने का? नहीं आपको करना है, आप शर्मा जी से कहिए ये करेंगे प्रमोट. अच्छा क्या कर रहे हैं आप, चलो तुम लोग निकलो. Can I have a seat? आपकी तो ऑलरेडी सीट है. Yeah, please, why not? Please. नमस्कार मधु जी, आयशा जी नमस्ते, जूही जी नमस्ते. मैं जूही जी ना, frankly I'm telling you, ये जो हुआ है, मतलब फोटो गलत लग गई होगी, लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं. वाह. मैं प्रूव कर सकता हूँ. दिखाइए. दिखाइए. कैसे? I will prove it.
अभी आयशा की फोटो निकलेगी। करण, ये तो करण है। वो है मेरी किरण की जगह करण लिखा है। ये तो करण लिखा हुआ है। करण क्यों? नहीं नहीं, हुआ क्या, मैं लिखवाने किरण ही गया था, लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था। अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे, करण मैं फ्री में लिख दूंगा। करण लिख दो, बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है, शी अंडरस्टैंड। नहीं देखिए जूही जी, एक मात्रा की कमी है यहाँ पे, लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है। वकील साहब, ये क्या है तरीका है आपका, ना जान ना पहचान, फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं। यू जी सुना आपने, इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब मुझे पहचाना नहीं? नहीं, आपको टीवी पे देखा है मैंने। नहीं नहीं वैसे नहीं, अरे इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर नंबर 735,555 कौन है? आपके हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है और जो आग लगती है, वो आग लगाता कौन है? आयशा जी, आप कश्मीर में पैदा हुई है ना, किसी ने सच कहा है क्या? सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं। तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए, आपका मुंह कैसे खराब हो गया? तब ऑफ सीजन था थोड़ा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बहुत ही ज्यादा ऑफ सीजन था, काफी ऑफ सीजन था वहां पर। हाँ अरे आयशा जी, आयशा जी, कैन यू डू मी वन फेवर? हाँ जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा ऐसा हवा फूंक देंगे आप? क्यों, क्या है ये? क्यों क्यों क्या है? 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं। तो ये पहला नशा हो चुका है, ये ब्रेड आने लगा इधर है। ये उनका गाना है पहला नशा पहला कुमार। यार मुझे पता है यार, टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। नहीं आपका गाना, लेकिन आपका कमाल का, ट्रू गुड सॉन्ग। यूही जी आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है, वो बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया, इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती। क्यों क्यों? जगह जगह RT-PCR। आज के दौर में इट्स रियली ट्रैवलिंग इज ए प्रोसेस। मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना, मजा बड़ा आता है। मैं रख देता हूँ। क्या कर रहे हैं यार आप? आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था, मुझे वो पैर यहाँ रखना था। तो मैं ये रख देता हूँ। ये गलत कर दिया आपने, ये वाला रख देता हूँ। अरे नहीं, अब नहीं रखना मुझे। क्या? अब मुझे खाली खुजली करनी है बस। अच्छा वकील साहब, आप थक गए होंगे, आपका मुंह निकाल के उधर रख दूं? पॉसिबल है? हाँ लेट्स नॉट ट्राई इट। मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं वकील हूँ, केस वेस लड़ता हूँ, तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो, कुछ बाकी हो है? बहुत सारे। मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा। बहुत सारे। डबिंग के ऊपर चेक आता था, वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था। नहीं तो बस आपको सही वकील नहीं, 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 केस नहीं, करना नहीं हमें नहीं करना अभी। नहीं ठीक है, आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए मुझसे। ये क्या मतलब, वकालत से सीधा मैनिक्योर पेडिक्योर पे आ गया? देखिए आदमी सीधा रस्ते पे आ जाए उससे अच्छा है पेडिक्योर मैनिक्योर पे आए। आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई। लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। आग लग गई। अरे आग लग गई अंदर, इन माय ऑफिस, एक्सक्यूज मी। अरे हमारा केस। हाय 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 हाय, मैं आपकी इतना बहुत बड़ी फैन हूँ। ये झूठ बोल रही है, कोई फैन वैन नहीं है, ये फैन नहीं हो, झूठी हो तुम। कहाँ लगी आग? अंदर अंदर चूल्हे पे आग लगी है।
अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना, किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते? हाँ तो सच बोलो ना, गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है। ओहो, मैं आपसे बात ही नहीं करनी। मेरे से बात नहीं कर रही हो? यार शर्मा जी एक बात बताओ, ये लड़की आपको कभी फोन करती है ना? इसको आपसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे बात नहीं करनी, तो ये शो में क्यों है? फायरर अब लगी आग, लगी आग। मानो पुलिस, मुझे गेस्ट से बात करने दो। मैं ट्राई करो। आयशा जी आपका जो गाना था ना पहला नशा, मुझे बहुत पसंद है। नहीं पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही, बियर पानी की तरह पीती है ये। कुछ दिन पहले हमें एक नया नया केस मिला। मैंने कहा भाई केस मिला है सेलिब्रेट करने के लिए, एक एक बियर भी लेते हैं। 32 मजा नहीं कर रहा हूँ, 32 बियर पी है इसने। और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, सौबा सौबा। क्या क्या कहा? भैया देखिए, लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया। अच्छा मैं पेश कर दूं? प्लीज। अर्ज किया है, डरता नहीं मैं। तो हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं नहीं पेश कर रहा हूँ, आराम से बोलो ना आप। डरता नहीं मैं मार खाने से, शेर डरता नहीं मैं मार खाने से। अच्छा कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से। लानत है, लानत लानत, वाह लानत है। हिम्मत तो देखो इनको बुला रहे बहाने से, एक चिड़िया भी आती नहीं वकील साहब आपके बुलाने से। वाह वाह। उनके लिए शायरी लेकर आया। कल ऑफिस में मुझे बता रहे कि आपसे और ग्लैमरस कोई नहीं है। हाँ तो ऑफिस में हम दो लोग बैठे थे तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था। देखो यार मूंगफली की वैल्यू तब तक होगी जब तक उसके सामने काजू ना आ जाए। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, आपको पता है? इसने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है पुलर काटे, मुझे वो देखनी है। मैंने कहा भाई चलो देख लेंगे। कह दिया मुझे अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अजय देवगन का पुलर काटे वाला वो सीन बाइक वाला मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैंने ठान ली, मैंने दो बाइक वाले बुलाए, एक बाइक पे एक पैर रखा, दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा और दोनों बाइक वाले ने इनके नीचे चला गया। स्टंट के अंदर कुछ तो ऐसे इंजरीज होंगी, कुर्बानियां होंगी। फिर मैंने 15-20 बाइक वाले बुलवाए। अच्छा। कुछ मेरे नीचे चले गए, बाकी फाइनली दो टिके। कोई एक बाइक पे मैंने रखा एक पैर, दूसरी बाइक पे रखा दूसरा पैर। अब इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है यहाँ निकल गया। फिर इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है वहां निकल गया। अब दोनों की सूजी के चक्कर में मैं पूरा सूज गया। खुद को हीरो समझते हैं ना, ऐसे होते हैं। हीरो समझते हैं मतलब
मैं हीरो हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, शाहरुख खान ने आप थोड़ी सी हवा भर दीजिए, सेम टू सेम। एक मिनट, आप कहाँ से शाहरुख खान के जैसे लगते हैं? अगर शाहरुख बनना है तो थोड़ा सा डांस रोमांस आना चाहिए ना। वाह, इसने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया है भाई। शाहरुख खान आओ मैदान में, आओ मैदान में आओ, आप देखिए शाहरुख खान देखिए, आप देखिएगा ये हो जाए शाहरुख। और ये लड़की जो है ओ, तुम नीचे कैसे आ गई? आ कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओहो, यू सॉ दैट? यू सॉ द एजिलिटी? वी सॉ। थैंक यू वेरी मच। तुम गुस्सा मत करो, आओ हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। हेलो, क्या किया आपने? मैं तुम्हें शाहरुख खान के और स्टेप सिखाता हूँ, तुम आओ। हम लोग जरा अभी जरा मीटिंग है हमारी, हम आते हैं थोड़ी देर में, ओके? थैंक यू। मैम, आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, पर बहुत कम वक्त मिलता है ना, कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं? आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती है, तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये जूही जी ने कई फोटो डाली है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ऊपर। चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। जी मैडम, आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या? हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दांत ना झड़ जाएं। नीचे और मजेदार है, बाहरी हीरोइन ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग। लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं। और भी आगे आपने कहा, ओहो चिट्ठी लिख दी किसी ने, मैडम ऐसे नहीं बिकेगा, लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से और बोलिए दस का दो। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए दस का दो। अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा, पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डालेगा काम आएगा। जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा, वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा। ये कोई शायर लगता है, दिल जला कोई। दस का दो। मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें। अच्छा, वो पैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है, पे भी करें। हाँ, और आगे दिखाइए। मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने, हम एक टूथब्रश होता है, हाँ, जब तो तक उसके दांत, हाँ, दांत सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं, और फाइनली वो नाड़े में ही पहुंच जाता है। ये सही बोल रहा है। कई तो लेडीज काट के उसमें धागा डाल के इयररिंग भी बना लेती है। तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है। मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ, चमका के भेज देना। और भी हैं। ओके, ओह गॉड, मधु जी की फोटो हैशटैग जेन ट्यूजडे वाइब्स। ओके, तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है। मगर मधु, तुम योगा कर रही थी या फोटो खींच रही थी? ले रही कर क्या कर रही थी? मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा होता है, लिखा है उसने। या तो पूरी सोशल मीडिया पर रहो या पूरी योगा में, आधा अधूरा आधा आधा क्यों रखा है? अच्छा, कोई बात जो अभी आप बोल रही थी। आगे, देयर आर टू मीन्स ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम द मिस सीरीज। ओ बड़ी मुश्किल इंग्लिश अभी। देयर आर टू मीन्स ऑफ रिफ्यूज From the miseries of life, music and cats. आगे नाम पढ़ो फिर, कोट किसका है? Albert Schweitzer. Albert? Schweitzer. Schweitzer. आपको कैसे पता? पढ़े लिखे. हाँ, तो कमेंट्स दिखाइए जरा. कितनी खूबसूरत कैट है. मेरी है. मेरी है. हाँ. Yes, I'm sure. अब आप चलिए, कैट वॉक हो जाएगा.
नीचे दा मजेदार म्याऊ म्याऊ तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या मैं भी आपकी गोदी में आ सकता हूँ? आजा नीचे रिप्लाई देखो, आई लव द रिप्लाई। उनको बिल्ली पसंद है, गधे नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये जानता है जो भी है। वेरी गुड, दिस इज टू फनी। और आगे दिखाइए। अब आप कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। क्या सीएटी का एग्जाम होगा? और आगे ऑन द वे टू बाड़ा फार्म। बाड़ा फार्म कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या है? सस्ता सनफ्लावर तेल लेने आप सीधे खेत में पहुंच गए। रिप्लाई लिखा किसी ने, अबे इनका खुद का खेत होगा मूंगफली का तेल खाने वाले। नीचे बड़ा फैंस लड़ते हैं, पता है एक दूसरे, मतलब अगर आपको किसी ने गलत लिखा तो नीचे वो फिर बाट लगा देते हैं। ये भी आजकल। और भी दिखाइए। इस फोटो में एक सन है और एक फ्लावर है। वाह, हस्बैंड भी है जो फोटो खींच रहा है। रिप्लाई किया फोटो खिंचाने का कितना शौक है। मैडम तो कैमरा देख ही रही हैं, सारे फूल भी कैमरा में देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन कितने कमाल के लोग। डिफरेंट है। और आगे दिखाइए। आयशा जुल्का, देयर आर स्टिल सम वंडरफुल सो मेनी इंग्लिश। ओके, आगे आगे कमेंट्स। जैकी दादा, मुंह पे हाथ नहीं मास्क लगाना है। रिप्लाई। और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। नेक्स्ट। जैकी दादा गलत जगह पहुंच गए, ये आयशा श्रॉफ नहीं है आयशा चुटकी। ध्यान से आयशा जी, जग्गू दादा आपको टोपी ना पहना दे। नेक्स्ट। फाइनली पढ़ाई कर। बोर्ड माय चिल्ड्रन स्टेशनरी, कलर पेंस फॉर माय आयुर्वेदा ऑनलाइन क्लास। अच्छा, आगे कमेंट्स दिखाइए। मैडम आपने आयुर्वेदा का कोर्स किया है तो बताइए, घुटनों में दर्द हो तो कौन सा तेल लगाएं? मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है, वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं। मैडम आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना। और ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। थैंक गॉड खत्म हुआ। जूही जी, मधु जी, आयशा जी, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं। तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे, आप हीरोइन हैं, तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है? मैंने चिपकाया। अच्छा, वेल डन। जो पहनना नहीं, और मेरे हस्बैंड की ये आदत है गंदी, अभी फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड ले आई। आई नो, पर अब सुन नहीं लो क्योंकि ये बताना जरूरी होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया, मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है, यू कांट वेयर इट। अब ये क्या बात हुई? एंड देन बहस होगी, ये होगा वो होगा, तो फिर फायदा किसको होता है? जिसको गिफ्ट जाती है, गिफ्ट जाती है, फिर वो आगे चली जाती है पैक होके। तो हिरन भी ऐसा करती है कभी? हाँ, करती है। मैं तो ओके। कभी कोई नेल पेंट की बॉटल सूख गई हो तो थिनर डाल के नेल पेंट चलाया? कभी किटी पार्टी में 10 की जगह 15 लोग आ गए हो और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा? मैं तो एक भी किटी का हिस्सा नहीं हूँ। किटी पार्टी करती नहीं आप? नहीं, आप भी नहीं करती? मैं करती थी पहले। अच्छा, जब शादी हुई थी मेरी, शुरू में आई वाज अ पार्ट ऑफ ऑल द किटीज। अच्छा, मैं कभी नहीं, मैं लाइफ में कभी किटी पार्टी नहीं, पर किटी तो लेडीज के लिए। मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं। आज मैं उधर आके तेरे को पीटूंगी। मैंने पूरी बात नहीं सुनी। क्या बोला? क्या वो, ये क्या बात है? मैं तो किटी पे नहीं जाती, मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई। सॉरी, ये बहाना है।
इनको सूट दिखाना था अपना, मारूंगी तुझे। अच्छा ओके ओके ओके, क्या बात है सनी, वाह सीरियसली बहुत प्यारा है। लेकिन हमने इतना तरह सूट देखा, पता ही आपको तो बहुत ही प्यारा। अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती, आपने कहा मारूंगी तुझे मैं, नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना। ओके आई लव लेडीज टॉक, यू नजर आ रहा है पता लग रहा मुझे है, चारों तरफ लेडीज। तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्टी। हाँ। मुझे समझ में नहीं आती क्या करती हैं लेडीज। मेरे घर में एक दो बार हुई, मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम करता था, अंदर हा हा हा, फिर थोड़ी देर बाद हा हा हा, फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर लेके कुछ लगी थी, कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे इसलिए पता नहीं। लव यू love you bro log love you love you love you oh my goodness upar wala thank you bro unbelievable ye to aise lag raha hai unbelievable waqai jaggu lagta hai maza hai wow dear episode ka kya mast shuruaat hua hai bro kapil jo shuruaat mein dance kiya na maza hi nahi aaya आगे से नहीं करने का बिड़ो ऐसा, तभी मैं चल के एंट्री ले लाऊं। अच्छा। और लव यू जोई जी, मेरा बच्चा है तो। Exactly the same, super. मधु जी, मेरा बच्चा है तो। आयशा जी, मेरा झुलका है तो। ये उनको बच्चा क्यों नहीं बोला? क्योंकि सरकार ने बोला है बच्चे दो ही अच्छे। यार बहुत मजा है बड़ो, मैं अभी इधर था बड़ो, मधु जी मैं इधर, राइट रियल ना? अरे लव यू ऊपर वाला बादशाह है बड़ो, ऊपर वाला लव यू, मजा आया। ये देखो ये ऐसा मैं बड़ो अभी इधर गया था दशहरे में, मेला था उधर, बहुत मजा आया मेरे को उधर। क्या करने एज ए चीफ गेस्ट? नहीं एज अनाउंसर गया था मैं। अच्छा? वो बच्चे लोग जो खो जाते ना उनको लाइन से मैं खड़ा करके सबको पूछता है किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, ऐसा करके कर बड़े लोग। मैं बड़ो आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऐसा पागल जग्गू देखा कभी आपने लाइफ में? और मैं जिंदगी में बहुत काम किया बड़ो, बहुत ऊपर वाला बादशाह मेरा लव यू ऊपर वाला, खैर बहुत काम किया। कुछ कुछ फिल्में हम लोग कर नहीं पाए जूही जी के साथ में, हम लोग कुछ फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी। अच्छा? जैसे कि डर, तो की क्यों मैंने मना कर दिया? क्यों? मैंने बोला मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। फिर मेरे को डुप्लीकेट ऑफर हुआ, तो वो क्यों नहीं की? मैंने बोला अगर मैं डुप्लीकेट कर लूंगा तो फिर कृष्णा क्या करेगा? एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्या मस्त कर रहा है बड़ो। कृष्णा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहा है तो बड़ो, बहुत अच्छा, थैंक यू दादा, बहुत अच्छा बड़ो, वेरी गुड। खैर जी जुई जी, दादा करने क्या है आप इधर? मैं एक्चुअली गिफ्ट लेकर आया जुई जी के लिए। एक मिनट, गिफ्ट लेकर आया? हाँ ये जुई जी। हाँ मैंने सोचा वो गिफ्ट है, थैंक गॉड ये गिफ्ट है। ये तकिया चेन क्यों दे रहे? कल मैंने इनका गाना देखा। लोटा दो, मुझे लोटा दो, चेन तो मेरी। अब इतना सीनियर है जुई जी, बात तो मानना पड़ेगा। हाँ। तो नींद भी दिया, चैन भी दिया और लोटा तो, दो भी दिया तो, क्या बात है क्या बात है। पर मधु जी ये आपके लिए, आपके लिए भी कुछ आया है? हाँ। ये मधु जी आपके लिए, ये रोड नंबर 7 गुलमार्ग कांजूरमार्ग कश्मीर। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कल इनका भी गाना देखा मैं, हीरो ने बताया नहीं किधर लेकर आए।
माधो जी लव यू लव यू लव यू माधो लव यू माधो तारा लव यू लव यू माधो जी आप फूल और कांटे में थी ना हाँ जब आप फूल और कांटे में थी मैं झाड़ियों में था आप क्या कर रहे थे झाड़ियों में मैं टाइगर को घुमा रहा था टाइगर लव यू मेरे बच्चे टाइगर के लिए जोरदार टाइगर लव यू टाइगर मेरा बच्चा है टाइगर लेकिन इस चीज में मैं उसका बच्चा हूँ क्या गुलाटी मारता है बहुत शरारती बुढ़ो टाइगर बचपन से हम लोग उधर खेल रहे थे बुढ़ो माय हम लोग ऐसा टाइगर के साथ क्रिकेट खेलते थे अच्छा। समझे आप तो ऐसा अरे दादा इधर बैठे ना हाँ पर तो मैं और टाइगर ऐसा क्रिकेट खेलते बहुत शरारती बचपन से बड़े हो फिर वो ऐसा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल है ना ऐसा बगल वाला कॉलोनी में चला गया फिर तो वो लोग टेंशन में आ गए क्यों वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाया उन्होंने कहते हमारा कॉलोनी में टाइगर घुस गया खैर आयशा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए फैंटास्टिक आयशा जी मैं कल आपका गाना देखा मुझे बहुत अच्छा लगा झुलका नहीं झुमका था अभी झुलका को बुलाया सब कुछ झुलका ही रहेगा इधर यहाँ तक कि मैं खाने में भी अभी पनीर के साथ फुलका नहीं झुलका ही खाकर आया हूँ खैर जिंदगी में बड़े लोग हर चीज कॉमेडी नहीं होता है मेरे को अपना स्ट्रगल का दिन याद आ गया बड़ू जोई जी मधु मैं बता नहीं सकता हूँ मैं 3 बत्ती का टाइम था मैं स्ट्रगल कर रहा था इतना मेहनत किया मैं बड़े ऊपर वाले ने मेरे को दिला है बड़ू अच्छा मैं ऐसा भूख पेट के अंदर इतना पसीना आ रहा था मैं सड़क के ऊपर खड़ा था अच्छा मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा लेकिन ये लेडी अर्चनु अर्चु आई लव हर ये मेरे पास आई इन्होंने गाड़ी रोकी और बोली किधर जाएंगे साहब फिर मीटर डाउन किया अभी प्रोमो कट होएगा एक बार गाना बजाओ मैं जूही जी से शुरुआत करूंगा बोलो फिर मिलते हैं थैंक यू कई बार ऐसा होता है सामने वाला बोलता नहीं है हम समझ जाते हैं और कई बार क्या होता है सामने वाला बोलता कुछ और है हम कुछ और समझ जाते हैं तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी किसी की बात को गलत सुन लिया हो या आपकी बात को किसी ने गलत समझ लिया हो तो आप अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी मैम हाय कपिल हाय हाय अर्चना मैम हेलो एवरीवन हाय मेरा नाम नेहा है आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन ओह वाओ आज सुबह से हम शूट कर रहे हैं मेरा थोड़ा थोड़ा बैक पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए आप डेफिनेटली क्लिनिक पे आ जाइए मैं आपको ट्रीट कर दूंगी वाह ये भी आपकी वाली है पूरी क्लिनिक पे आओ कस्टमर ये नहीं कि इधर ही कुछ बता दो नेहा कहाँ से आई आप मैं यही गोरेगांव गोकुलधाम में ही रहती हूँ अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं पेशेंट्स को कुछ कहती हूँ वो समझते कुछ और है और होता कुछ और ही है जी तो रिसेंटली एक कपल मेरे पास आए थे हस्बैंड की नी सर्जरी हुई थी अच्छा जी तो उनका रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट चालू था तो उनकी वाइफ ने मुझे पूछा मैडम आप एक ऐसा चीज बताइए कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो मैंने बोला अगर ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें रेगुलरली यू नो रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे अच्छा जी अगले दिन वो आए और उनका नी 3 गुना ज्यादा सूज गया था तो मैंने बोला ये क्या हुआ तो उनकी वाइफ ने बोला मैडम आपने कहा था ना कंटिन्यूअसली उनको एक्सरसाइज करवाना तो मैंने उनको पूरा दिन एक्सरसाइज करवाया विदाउट ब्रेक बट देखो अब ये चल भी नहीं पा रहे तो मैं कुछ कहना चाहती थी वो कुछ और समझ गई और भुगता पति ने तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं बोला था ना समझ सब आया होगा जानबूझ के करवाया होगा उसने बीच में ना एक बार बाबा रामदेव ने एक आसन करवाया था ऐसे ऐसे करके तो बाहर निकल आते हैं तो पार्क में जाओ जिसको वही सब कर रहा था एक औरत मैंने देखी मुंह ढक के बैठी हुई थी मैं कहा आंटी आप नहीं कर रही कहती बेटा मैंने 3 साल किए बाल तो निकले नहीं मेरी मूंछें निकल आई
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा? जी भाई साहब, वो भाई साहब पीछे. हाय सर, एक किस्सा है कि जब मैं छोटा था. आप छोटे भी थे? वाओ. फिर क्या हुआ? दिवाली में जब रात में सब फटाके फोड़ के सब गली पूरी शांत हो गई थी, हम फिर भी चल रहे थे और एक फटाका आता था सर, बटरफ्लाई फटाका करके. अच्छा. तो उसमें जब आप जलाते थे तो वो ऐसे ऐसे उड़ के बटरफ्लाई की तरह फिर उड़ के फूटता था. तो वो हम जला रहे थे, तो मैं, मयूर, ये मेरा भाई भी है सुमित और एक सौरभ, हम तीन भाई थे. ये आपके भाई हैं? जी. हाय हाय. तो हम जब फटाका फोड़ रहे थे तो वो जो था तो उसने सुरसुरी से उसे जलाने का ट्राई किया. सुरसुरी क्या होती है? सुरसुरी सर वो. अच्छा, वो बच्चे खेल. फुलझड़ी. 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 हाँ, तो फिर सुरसुरी से क्या किया? झुरझुरी की. फिर जब वो जलाने जा रहे थे तो उसकी रोशनी से उन्हें दिख नहीं रहा था कि फटाका जल रहा है कि नहीं. तो मैं और मेरा भाई हम साइड में खड़े थे और मैं तो बहुत फटाकों से डरता था तो ऐसे कान बंद करके खड़ा रहता था. तो उसने बोला कि जलेगा कि नहीं तो मुझे बता. अच्छा. तो मैंने उसको बोला नहीं जला. अच्छा. वो जल चुका था. अच्छा. तो वापस जलाने के चक्कर में जब पास गया, फूट गया तो फटाका जल के उसकी शर्ट में घुस गया. तो भाई ने पटाखा फोड़ा आपका फिर? नहीं सर. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर शो में आने के लिए. थैंक यू. उसके अंदर बटरफ्लाई घूम रही है अभी. अर्चना जी, कैसी हैं आप? नमस्कार. हेलो दोस्तों. हेलो मधु जी. नमस्ते. हेलो आयशा. हेलो जी. क्या हो गया? आज आवाज नहीं निकल रही चाचा जी. अरे इनके सामने तो शाहरुख की आवाज ही निकली. किरण. मैं इतना खुश हूँ सच्ची. कपिल, थैंक यू, थैंक यू. आज इनको मिला दिया. मैं पंजाब में था, मुझे पता चला कि आप तीनों आ रही. मैं आपके लिए स्पेशली, देखो, ये मक्की के दाने लेके आया हूँ. कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात नहीं, मैंने खुद लिखा है तीनों के नाम. अपना अपना नाम पढ़ लो और खा लो. मैं आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ. इत्तेफाक देखो कि आप तीनों मेरे सामने साक्षात बैठे हैं. तीनों मेरे सपने में रात को आई थी. तीनों एक साथ कैसे सपने में आ गई? सपने में आई थी, स्कूटी में थोड़ी आई है कि जो तीन सवारियां अलाउड नहीं है. जी, आपका ट्रैवल प्लान मुझे कभी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों. क्यों, क्या हुआ? अरे ये मतलब बॉम्बे से पूना गई, पूना से दिल्ली गई. हाँ. दिल्ली से पटना. ये आपको जब पता है मैं पंजाब में हूँ तो आप वहाँ क्यों नहीं आए? लेकिन मैं स्पेशली पंजाब से आपके लिए यहाँ पे आया हूँ. अभी शो जब खत्म होगा ना कपिल, मैं डिनर करने जाना है इनके साथ. हमें किसी अरे गहरे के साथ डिनर पे क्यों जाएंगी? अरे गहरे के साथ नहीं जाती. चाचा यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं आपके आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ. आई एम बॉलीवुड प्रोड्यूसर. थैंक यू सो मच. झूठ बोल रहे हैं ये. कोई प्रोड्यूसर नहीं, हमारे दूर के चाचा इधर ही रहते हैं. वाह. चाचा मतलब देखो, प्रोड्यूसर बोला तो रिश्ते बन गए. मुंबई में ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बात करने दो. एक्चुअली मैं ना एक फिल्म बना रहा हूँ. आप तीनों को मैं साइन करने आया हूँ अपनी फिल्म में. प्लीज मुझे ना ना करना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मेरी फिल्म का नाम है ओटीपी. 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 तो कहानी क्या है? कहानी नहीं, क्या है? सरकार ने कहा ओटीपी किसी से शेयर नहीं कर सकते. तो फिर फिल्म बनाने का कैसे सोच लिया आपने? ये बहुत लंबी कहानी है भाई. तो ठीक है, फिर रहने दो. नहीं नहीं, मेरी दूसरी फिल्म का टाइटल है बहुत लंबी कहानी है, वही तो मैं सुनाने आया. लेकिन उसकी स्टोरी बहुत छोटी है, अगर आप सुन ले तो. बहुत बड़े शहर में छोटा सा हीरो बहुत बड़े बाप की छोटी बेटी से प्यार करता है. अच्छा. और बहुत बड़ा बाप छोटे हीरो को बुलाकर बहुत बड़ी हवेली में बहुत छोटी बात कर देता है. आए, आए, आए. कहता है मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे? वो बड़ा खुददार है हीरो, कहता है बैंड्रा का 500, लोखंड वाला का 300. वो हाँ, ऑटो चलाता. ऑटो वाला. ये क्या फालतू कहानी सुना रहे? कोई ढंग की स्टोरी है तो सुनाओ ना. ढंग की सुनी है. हाँ. फिर आपको मीरा रोड जाना पड़ेगा, चलेंगी? तो राइटर उधर रहता है? नहीं नहीं, वो तो कब्रिस्तान में रहता है. अरे? मतलब कब्रिस्तान मतलब में उसने मुझे स्टोरी सुनाई, कहता अगर आपको अच्छी ना लगे मुझे जिंदा गाड़ दो. तो गाड़ दिया. इतना इतना गाड़ा.
आयशा जी इतना इतना गाढ़ा स्टोरी वो सुना सकता है, अभी इतना बाहर है। चाचा जी आप हमारे गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो कोई बात नहीं, जितना इनका टाइम वेस्ट होगा मेरे से ले लेना। 3 साल से बहुत वेस्ट टाइम मेरे पास पड़ा, मैं अमृतसर वेला ही था। जूही जी स्टोरी मैंने आपको सुना दी, अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। लेकिन मैं आपको बताऊं शूटिंग पे आपको इतना मजा आएगा, आपको ये नहीं लगेगा कहाँ आ गए आउटडोर किधर, कई बार दुखी हो जाता है वैनिटी वैन कमरा, आपको घर जैसा माहौल लगेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि इनके घर पे हम शूटिंग कर रहे हैं ना। जब इतना भगवान ने दिया है क्यों हम वेस्ट करें। अरे उनको नहीं करनी आपकी फिल्म साइन ना, आप क्यों बीच में मना कर रहे हो। एकदम मना ना करो, आप मेरे गाने सुन लो, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अच्छा गाना गाएंगे कौन। यार तेरी इतनी अच्छी आवाज है, इस अच्छी आवाज में तू मीका को बोलेगा तो मना थोड़ी करेंगे। मीका फ्री थोड़ी है। मीका फ्री नहीं है तो हम नेहा का कट से गवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो हम प्रोफेशनल हैं। नेहा का मीका से क्या लेना देना यार, उनका लेना देना क्या है, मुझे क्या लेना देना, मैं प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हूँ, मुझे गाना गवाना है बस। चलो कोई बात नहीं, मैं गा लेता हूँ। ये हारमोनियम देना प्लीज। थैंक यू सो मच, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। थैंक यू। हाँ जी बजाना जरा, उसमें लगना चाहिए कि मैं बजा रहा हूँ। हाँ जी चलो, नहीं हारमोनियम की आवाज निकालो, सैक्सोफोन की निकलती है। हाँ प्रणाम प्रणाम चिचा, आपके बारे में पीछे सब लोग बात कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नहीं बोल रहे, उठाओ इसको, क्या टाइम पास कर रहे हैं। चिचा ये बहुत गाना वीना गाते हैं मस्त एकदम, आज मैं लाइव सुनूंगा। आप ये बजाएंगे? वो तो आपके गाने पे डिपेंड करता है। अच्छा गाएंगे तो नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। अच्छा नहीं गाया तो बजाएंगे, क्योंकि ये बांसुरी नहीं बम्बू है। एक काम करो, इतना बड़ा बड़ा हीरोइन लोग बैठा गुड़ू, कोई इनका गाना सुनाओ, मधु जी का कोई मस्त गाना हो जाए। हाँ 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 चलो मैं इनका सुनाता हूँ। रुकमनी ओ रुकमनी, शादी के बाद क्या क्या हुआ। वो क्यों बताएंगे शादी के बाद क्या क्या हुआ। शादी ये रुकमणी का पर्सनल मैटर है। वो क्यों बताएंगे रुकमणी शादी के बाद क्या किया। शादी के बाद मेरा टाइगर हुआ, किसी का कुछ हुआ, वो क्यों बताएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो जूही जी का मस्त गाना हो जाए। हाँ जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं तेरा रहूंगा शालू। ये क्या बात हुई चीचा, चीचा। मतलब आलू निकल जाएगा तो शालू की जिंदगी बर्बाद। जब तक रहेगा समोसे, मतलब पकवान पे डिपेंड है। आलू निकला तो शालू गए। कोई शालू से प्रॉब्लम है आपको, तो ये क्या गाना हुआ, कोई और सुनाओ। हेलो हाँ जी हाँ जी 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 जी, सिद्धू साहब ने 2 लाइनें आपके लिए भेजी हैं। क्या खुद को क्या समझती है, इतना क्यों अकड़ती है। यार अकड़ तो होंगे, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है अकड़ खुद ब खुद आ जाती है बेड़ो। अरे कमाल की बात है बेड़ो, ये कुर्सी छोड़ती नहीं, वो हर जगह से कुर्सी छोड़ देते है, कमाल है बेड़ो। मैं आई लव यू सिद्धू जी। मैं कुर्सी के बारे में मैं भी 2 लाइनें वर्णन करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। कुर्सी एक ऐसी चीज है, आजकल हर कोई बना रहा है, कोई लकड़ी की, कोई स्टील की, कोई प्लास्टिक की, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठकर गर्मी लगती है और गर्मी से खुजली होने का डर है, और खुजली का एक ही इलाज है पाउडर। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए पाउडर है, पाउडर है, पाउडर है। हाँ जी हाँ, एक भाई साहब एक मिनट, पाउडर है, पाउडर 10 रुपए।
10 रुपए अरे 10 रुपए का पाउडर है जो लेना चाहे ले लो जिसने नहीं लेना ये पाउडर वो बाहर जाके खेलो ए पाउडर 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 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए वाह वाह पाउडर बेचने वाला है अभी पता चला बेड़ो क्या मस्त है क्या बात है क्या बात है ये पाउडर जो ऐसा मुंह पे लगा सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ले फिर चल बेड़ू चल अंदर चल जूही जी मधु जी आयशा जी कोई भी गुस्ताखी हो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं पर हमारी जो फैमिली है थोड़ी ऐसी है क्रैक है पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए आइए जूही जी आइए आइए मैम जोरदार तालियां हो जाएं एक बार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयशा जी मधु जी जूही जी बड़ा मजा आपके साथ ये शाम बिताने का थैंक यू कपिल जी रियली बहुत मजा थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत हंसे बहुत हंसे और सच में वी लुक फॉरवर्ड टू द शो एंड अर्चना जी यस वी लव यू आज अर्चना जी वो फुटवेयर का शॉट मिस हो गया था आइए 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 भागा भी जाएगा इतनी हील पहन के कैसे फुल फुल शॉट दीजिए पाइनएप्पल ये बहाने से उठाए इनको घर लेके जाने तो दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम आते रहेंगे आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए आप स्वस्थ रहें खुश रहें गुड नाइट थैंक यू okay.